या मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी के मेंस एग्जाम चल रहे हैं। उस मेंस एग्जाम में हमने एसए पेपर यानी पेपर वन और टू यानी जीएस पेपर फर्स्ट को हमने डिस्कस किया था। और डिस्कशन का मेन मुद्दा यह है कि आप लोग जो एक मुखालफत में रहते हैं ना कि पेपर कैसा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम प्रिपरेशन करने वाले टॉपिक होते हैं, तो पेपर समझाने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को देखें, समझें और तैयारी करने में इन चीज़ों को शामिल करें कि नहीं, पेपर क्वेश्चन पेपर हमारा इस प्रकार का होता है और हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और सभी को पता है पर पेपर के हिसाब से 20 क्वेश्चन होते हैं, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं और बाकी 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार 250 नंबर का प्रत्येक जीएस का पेपर होता है ना। और फर्स्ट पेपर में हमने देखा था हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, हमारा समाज, आर्ट एंड कल्चर, ये टॉपिक होते थे। सेकंड पेपर में हमारा जनरली संविधान, लोक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था हमारी, उसके अलावा हमारे प्रशासन से संबंधित मुद्दे, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस के मुद्दे, ये सारी चीजें हमारे सेकेंड पेपर में आती हैं। तो जो सेकेंड पेपर हमारा हुआ उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, ईजी कितने थे, टप कितने थे, किन सोर्सेस का इस्तेमाल करके हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा टैकल कर सकते हैं, तो उन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। आपको टिप्पणी करना है, यानी आपको एक सेंटेंस दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको पहले से बता दिया जाता है कि संबंधित टॉपिक ये है, अब इसके सही और गलत मायने को आपको बताना है, देन आपको निष्कर्ष देना है। तो संवैधानिक रूप से, ठीक है, संवैधानिक रूप से यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यूडिशियल फ्रीडम होती है वो लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकतंत्र है तो उसमें ये चीजें तो एकदम होनी ही चाहिए। बात समझ में आई ना कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये लोकतंत्र मतलब लिख के देता है, यानी आपको पहले से ही है कि अगर लोकतंत्र है, आप डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो जो न्याय है ना, वो बिना किसी लाग लपेट के आपको मिलना चाहिए। सॉरी, तो न्याय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है, समानता का अधिकार, समान न्याय तक पहुंच, आपने आर्टिकल 15 पढ़ा है ना, तो इसी तरह आपको डिटेल करना है। और टिप्पणी करने का मैं निर्धारित ये है कि इस सेंटेंस को आपको सही साबित करना है अपने तर्क के माध्यम से, अपने अन्य चीजों के माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निशुल्क कानून सहायता प्राप्त करने का हकदार कौन है? निशुल्क कानूनी सहायता जो होती है ना, जो लीगल हेल्प होती है निशुल्क, वो प्राप्त करने का हकदार कौन है? तो आप जब भी संविधान पढ़ते हैं, संविधान की बुक पढ़ते हैं, उसमें कहा गया क्या गया है, जो एससी वर्ग है, जो एसटी वर्ग है, महिला वर्ग, बच्चे और कुछ ऐसे हैं जो विकलांग व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इन सभी को निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। या कोई ऐसा हो कि जो अफोर्ड ना कर पा रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, तो निशुल्क कानूनी सहायता हमारा जो राज्य का नीति निदेशक तत्व, तो उसमें भी ये बात कही गई है कि राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को जो कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार ना हो या जो कानूनी सहायता अफोर्ड ना कर पाए, उनको राज्य क्या करेगा, उनको कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी कानूनी सहायता के प्रतिपादन के लिए, यानी इसी कानून की सहायता के लिए नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय वित्त सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, NALSA की भूमिका का आकलन करना है आपको। तो ये जो एडवाइजरी है या ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, ये कैसे लीगल अथॉरिटी कैसे काम करती है, तो उसके रूप में बताना है कि ये कैसे कानूनी सहायता लोगों को मुहैया कराते हैं। आपके मान लिया आप रेप विक्टिम है ना, या फिर आप तेजाब पीड़ित हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार का आपके साथ दुर्व्यवहार या अन्याय हुआ है और आपके लेके पास इतना पैसा नहीं है, आप उस वर्ग से आते हैं जो निशुल्क कानूनी सहायता करने का अधिकार है कानून के तहत, उसको संरक्षित किया गया है।
अगर आप ऐसे वर्ग में आते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, राज्य स्तर पर राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण, तालुका स्तर पर तालुका विधि सेवा प्राधिकरण, अनेक प्रकार के पद सोपान बने हुए हैं, उन्हीं की भूमिका का आकलन करना है आपको कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण कहाँ तक सफल हुआ है, उसकी क्या भूमिका है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, किस प्रकार वो लोगों को न्याय उपलब्ध कराता है, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको बतानी है। थर्ड क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं भारत में, ये आप पढ़ेंगे तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत के कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी कक्षा 11-12 देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो कुछ अंश आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, उसके अलावा कुछ अंश और किताबों से मिल जाएंगे जैसे लक्ष्मीकांत है ना, करंट मैगजीन वगैरह में, एडिटोरियल वगैरह में, ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनुचित प्रतीत होते हैं, टिप्पणी के लिए जो भारत के राज्य हैं जैसे यूपी एमपी है ना, तो इन्हीं को जो देखो जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं तुरंत लागू कर दिए गए, त्वरित लागू कर दिए गए, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो दे दिए गए, किसको दे दिए गए, वो दे दिए गए अन्य लोगों को है ना, राज्य सरकारों को दे दिए गए कि राज्य सरकारें जब समय होगा तो उन चीजों को कार्यात्मक भूमिका में वित्तीय रूप में दोनों को क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक वित्तीय दोनों रूप से ही सशक्त बनाने के प्रति अनुच्छेद प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वित्त है ना वो राज्य के अंदर में आता है, केंद्र के अंदर में आता है, और इनको क्या अनुदान के माध्यम से जब केंद्र सरकार बजट पास करती है तो इन शहरी और स्थानीय निकायों को अनुदान देती है, राज्य सरकार जब बजट पास करती है तो शहरी और स्थानीय निकायों को अनुदान देती है, कुछ अन्य फीसें वगैरह ये बस भुगतते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से इनके जो कार्य होते हैं, जो इनके ठीक है, जो इनकी जो भी इनकी लीगलिटी होती है या जो भी ये कार्य करते हैं जैसे नगर पालिका, नगर निगम है ना, नगर पंचायत, ये जो भी काम करते हैं तो उनको वित्तीय दोनों रूप से ही सशक्त बनाने के प्रतिनिधित्व प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वित्त का अभाव है राज्यों के पास, राज्यों के पास खुद संसाधन नहीं है, तो राज्य अगर अपने संसाधन है ना इनको अपनी पावर दे देंगे तो वो क्या करेंगे, विधायक स्तर पर या सांसद स्तर पर कैसे कार्य होंगे, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल करनी थी। चौथा क्वेश्चन, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें और अंतर बताएं। जो संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, सॉवरेन में होता है संप्रभुता, तो संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करनी है कि दोनों दृष्टिकोण क्या है। अगर ब्रिटिश भारत की बात करें तो जो संसद है वही सर्वमेव है, यानी वहां सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर नहीं है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में संसद क्या है, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंसी मिलकर बनती है और तीन तरह से कानून बनाती है, एक साधारण विधि के माध्यम से, दूसरा राज्यों के अनुमोदन के माध्यम से, सीधा विशेष बहुमत के माध्यम से। जब ये कानून बनाती है तो कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसको क्या कर सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के माध्यम से या जुडिशरी रिव्यू के माध्यम से क्या करता है, उन कानूनों को रोक देता है। तो उसी दृष्टिकोण की तुलना करके अंतर आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, है ना। विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। यहाँ पीठासीन अधिकारी का मतलब जो लोकसभा स्पीकर होता है या राज्यसभा स्पीकर होता है, राज्यों के अंतर्गत विधानसभा स्पीकर जो होता है ना, विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद का जो स्पीकर होता है उसे हम पीठासीन अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था, यानी जो विधायी कार्य होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है, जैसे अभी विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा, एवं निष्पक्षता बनाए रखने में, ठीक है, निष्पक्षता बनाए रखने में, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में, यानी तीन प्रकार की, एक तो व्यवस्था, दूसरा निष्पक्षता और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायकों के पीठासीन अधिकारी जो स्टेट लेजिस्लेटर हैं उनके पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना करिए। तो अनेक ऐसी बातें हैं, तो आपको जो पीठासीन कैसे नियुक्ति होती है, वो कैसे निष्पक्ष होता है,
कैसे वो निष्पक्ष हो सकता है, जैसे ब्रिटेन वगैरह में या भारत अमेरिका वगैरह में क्या होता है, जो पीठासीन अधिकारी बना दिया जाता है वो अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे देता है और वो सिर्फ पीठासीन अधिकारी के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करता है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। भारत में क्या होता है, जो लोकसभा में जीता हुआ दल होता है वो क्या करता है, मिलकर के सरकार बनाता है। सरकार बनाने के बाद वो क्या करेगा, सरकार बनाने के उपरांत वही अपना पीठासीन अधिकारी बनाएगा। और हमारे यहाँ परंपरा है कि जो पीठासीन अधिकारी, जो लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद स्पीकर होगा, वो जीते पक्षे होगा, जो सरकार बनाएगा उसी का लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा या विधान परिषद का या विधानसभा का स्पीकर होगा। और लोकसभा जो सब स्पीकर होता है वो हारी हुई पार्टी का यानी विपक्ष का कैंडिडेट होता है, तो उनकी भूमिकाओं की वो कैसे निष्पक्ष है ना, उनको निकालने में सदन के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीजें लेकर के आपको पांचवें क्वेश्चन को डिटेल करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो, मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। मानव संसाधन विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मैं जब आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो उसमें इस बात पे मैंने काफी फोकस किया था कि अगर जनसंख्या को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है तो उसे अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा भोजन देना चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ये सारी चीजें बेहतर उपलब्ध मुहैया करा दी जाती हैं तो ये मान के चलिए वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, तो मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है, ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को क्या कर सके, दूर कर सके। ठीक है, तो क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन इंडिपेंडेंट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। अब आपको सजेस्ट देना है तो आपको क्या करना है, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया पर एक कठोर पक्ष रहा है। ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस दे प्रोवाइड कर दिया गया, बस आपको क्या करना है, सिर्फ उपाय सुझाना है, आपको सजेशन देना है। ठीक है, कि इस अपर्याप्तता को कैसे दूर किया जा सकता है। भाई हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा आपको। अभी तक क्या है, बहुत सारी ऐसी आबादी है जो जिस पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी आबादी है जिस पर मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो इलाज नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और उनको उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं होते या अपने गाँव से वो शहर तक नहीं पहुंच पाते। तो अच्छी एजुकेशन के अभाव में भी अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो वही कोई श्री राम के नारे लगाएगा, कोई अल्लाह अकबर चिल्लाएगा, है ना। तो वो चीजें हैं कि आपको जो अपर्याप्त जो एजुकेशन है उसको बेहतर किया जाए, काम के आधार पर या लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर इनको एजुकेशन मुहैया कराई जाए, तो मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है। ठीक है, भोजन है ना, हालांकि राशन कार्ड के एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से क्या है, राशन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे उनको कुपोषण होता है या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं और धीरे धीरे वो बीमारी हो जाते हैं। तो किसी देश को अगर बेहतर बनना है तो अपने जो नागरिक है ना उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, है ना। तो ये तीन मेजर पॉइंट होते हैं मानव संसाधन के विकास में, स्वास्थ्य, शिक्षा और खाना, या रोटी कपड़ा, रोटी स्वास्थ्य और सुरक्षा। अगर आप एक चीज और जोड़ देंगे तो सुरक्षा सुरक्षा का मुद्दा आ जाएगा। तो चार मुद्दे अगर ठीक से आप लिख देखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर आंसर हो जाएगा। ओके, स्वास्थ्य पे लिख दो, शिक्षा पे लिख दो, है ना, भोजन के अभाव में लिख दो। बहुत सारी ऐसी आबादी है, करीब 12-14 करोड़ ऐसे होंगे जो ऐसे हैं कि जिनको ठीक से भोजन नहीं मिलता। और उसके अलावा अगर एक मुद्दा और आपको नहीं सूझ रहा, सुरक्षा का मुद्दा डाल दूं। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में ये सारी चीजें होती हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है ये आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों यानी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका की चर्चा करें। प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, एक स्टेचुअरी बॉडी है। ठीक है, जो क्या करता है कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो छोटे छोटे दुकानदारों को या छोटे छोटे डीलरों को या छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस को धीरे धीरे क्या करती हैं, अपने कब्जे में ले लेती हैं और अपनी रेट के माध्यम से या अपनी प्रभावशाली तरीके के माध्यम से क्या करती हैं,
अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने लगती हैं, तो उनको रोकने में इसकी इस आयोग की क्या भूमिका है उसको बताना है। हाल के निर्णय अगर हुए हैं प्रतिस्पर्धा आयोग के, तो वो आपको डिटेल करना है। आठवां क्वेश्चन अभिशासन से है। अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही, जवाबदेहता यानी अकाउंटेबिलिटी का आगाज कर दिया है। कौन सी अपरताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? तो देखो, कनेक्टिविटी ऐसी चीज है, अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप चाहे शासन किसी रूप में करें वो जनता तक जाएगा। अगर कनेक्टिविटी नहीं है, ओके, अगर मान लिया जो आदेश है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, ये अगर ऐसी भाषा में छाप दिए जाए जो लोगों की समझ में ना आए, तो क्या होगा? चाहे जितनी अच्छी सरकार हो, चाहे जितना ई गवर्नेंस हो, ठीक है, उनकी प्रभावशीलता होगी, उनमें पारदर्शिता आएगी, जवाबदेहता आएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या लिख के बंद कर दिया है। तो अगर कोई भी शासन चलाना है, अगर बेहतर तरीके से चलाना है या ई शासन के रूप में सब चीजों को काम करना है, तो देखो ये तो एक ट्रांसपेरेंट होता है, छोटी सी फाइल बनी है ना, नेट पे डाल दी गई, आराम से दुनिया देख सकती है। बहुत सारे पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों के वेबसाइट नहीं होता था, उनका रोशन नहीं दिखता था कि कैसे इनसे बात करें, क्या काम करेंगे ये। तो अब क्या हुआ है, तो उनके ग्लोसा सारे पड़े हो जाते हैं, है ना। राइट टू आरटीआई के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों की जानकारी कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट, या फिर कह सकते हो जो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, चार्टर एक्ट, सिटीजन चार्टर जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हो आप अपने समस्याओं को या जो भी जवाब चाहते हो आराम से आपको मिल जाता है। तो वे कौन सी अपरिहार्यताएं हैं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा है? नेट कनेक्टिविटी, है ना, लोगों का इन चीजों के प्रति सुग्राह्य न होना, वो लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो आप आराम से कर सकते हो। तो इस बार ये आठों क्वेश्चन थोड़ा इजी टू मॉडरेट टाइप के हैं, ओके, इजी टू मॉडरेट टाइप के हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इन चीजों को कर सकते हैं। ये आठ के आठ क्वेश्चन अगर ठीक से करेंगे तो ये मान के चलिए 50 नंबर आपके कहीं नहीं गए। सिंपल सी चीजें हैं, आपको कुछ चीजों को पॉइंट आउट करना है, ओके। 9 नंबर क्या कहता है? संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। अब आईआर आ गया, संघर्ष का विषाणु यानी जो क्या है, जो कन्फ्लिक्ट है वो एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। अब एससीओ पता है क्या है? शांघाई सहयोग संगठन, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कामकाज को प्रभावित कर रहा है, क्यों प्रभावित कर रहा है? अब भारत और चीन के मध्य जमीन के मुद्दे को लेकर के थोड़ा कंफ्लिक्ट है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के थोड़ा कंफ्लिक्ट है। चाइना का दक्षिण एशिया में अपना एक इशू है, दक्षिण चीन सागर को लेकर के इशू है। तो वो क्या कर रहा है, वो इस कहीं ना कहीं एससीओ को प्रभावित कर रहा है, जो तो संगठन बना हुआ है और वो काम ही नहीं ठीक से कर पा रहा है। दूसरा ये है कि रसिया यूक्रेन वार, है ना, रसिया भी एससीओ का सदस्य है, तो एससीओ के लोग यूक्रेन मुद्दे पर ठीक से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो इन कथन के आलोक में क्या करना है, समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका को सुझाना है। अभी भारत G20 का क्या है, अध्यक्ष है और उसकी मेजबानी कर रहा है, तो भारत अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत और बेहतर कैसे कर सकता है वो सारी चीजें आपको बतानी है। एससीओ में उसकी क्या भूमिका हो सकती है वो सारी चीजें बतानी है। अगला आईआर का क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है पश्चिम में, अमेरिका, यूरोप वगैरह में काफी बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता है, तो उसका एक अपना रुतबा है उन देशों में। तो वो रुतबा कैसे क्या करेगा, हमारे भारत के आर्थिक और राजनीतिक लाभ में कैसे कन्वर्ट होगा, उन सारी चीजों को लेकर के आना है। भाई अगर हम अमेरिका के साथ, अभी अमेरिका हमारा बड़ा फेवर कर रहा है हर मुद्दे पर, अमेरिका हमारे साथ खड़ा नजर आता है, चाहे वो भारत चाइना डिस्प्यूट हो, या भारत पाकिस्तान डिस्प्यूट हो, या श्रीलंकन थोड़ा राइवलरी हो, है ना। तो वहां पर पाकिस्तान क्या करता है, हमारे साथ खड़ा होता है। अभी G20 का समिट हुआ है ना, काफी सारे देशों के प्रमुख हमारे देश आए और उन्होंने भारत के साथ काफी जो इंटरेस्ट है ना, रिलेशनशिप को लेकर के आए, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, वो बड़े बेहतर तरीके से दिखाए, है ना। बाज काफी सारे लोग कह रहे थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मंदिर भी गए, तो भाई भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है।
और भारत के मार्केट को जीतने के लिए जो बन पड़ता है वो कर रहे हैं, मंदिर भी घूमा है, ठीक है, तो उसके क्या आर्थिक राजनीतिक लाभ हो सकते हैं उसका वर्णन करना है आपको, तो बहुत सारे लाभ हैं। ओके, तो वही चीजें आपको यहाँ बतानी है। अब आईआर के 3 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन संविधान से, भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील क्षमताओं, गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। गतिशीलता का मतलब है काफी सारे संशोधन हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं लगभग, और लगभग 126 संविधान संशोधन अधिनियम पेश किए जा चुके हैं। तो इसमें समय समय पर काफी चीजों में बदलाव आया, जैसा पहले बना था वैसा तो रहा नहीं, तो कुछ चीजों में बदलाव आया, कुछ चीजों का जुडिशियल रिव्यू हुआ, है ना, जहां पर जो दिक्कतें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सुधार दिया, कुछ संसद ने सुधार दिया। तो जीवंत यंत्र है या प्रगत समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार यानी राइट टू लिवलीहुड, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या करिए। आर्टिकल 21 तो आपको यहाँ डिटेल करना है, राइट टू प्राइवेसी आ गया, अन्य प्रकार के खाने का अधिकार, पर्यावरण में सुरक्षित रहने का अधिकार, सोने का अधिकार, जागने का अधिकार, तो उस संबंध में आपको क्या करना है, एक जीवंत दस्तावेज है ये आपको बताना है। और लोगों के अधिकारों की व्याख्या भी कर सकते हैं, जैसे LGBTQ समुदाय को बहुत सारी रियायतें दी गई उनको नागरिक के तौर पर, है ना। आप जब भी आपको फॉर्म भरते हैं तो 3 कॉलम मिलते हैं, एक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का मिल जाता है, है ना। तो उस संदर्भ में आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को डिस्कस करना है, बताना है, है ना। 250 शब्दों में इसको क्वेश्चन को करना है, मैक्सिमम 220 से लेकर के 250 तक आप बता देना। और दूसरा, कॉपी में एक एरिया होता है, उस एरिया को फिल करना है आपको, मान के चलो। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय में संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है संविधान को, सीरियसली स्टडी नहीं की और हमारे समाज को लेकर के उसको आगे नहीं बढ़े हैं, तो दिक्कत आएगी। क्या कहा गया, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों, ठीक है, जो प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है, रिलेवेंट है, और निर्णय विधियों और जो निर्णय किए गए हैं की मदद से लैंगिक न्याय, जो हमारा लैंगिक न्याय होता है, ठीक है, जेंडर जस्टिस बोलते हैं, जस्टिस कई प्रकार का होता है, है ना, एनवायरमेंटल जस्टिस होता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट जस्टिस हो सकता है, तो यहाँ पर लैंगिक न्याय की बात की जा रही है, महिला पुरुष के संदर्भ में, थर्ड जेंडर के संदर्भ में, के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कर रही है कि संविधान या संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं या केस लॉज हैं उनके माध्यम से इसको व्याख्या करनी है। सिंपल है, अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई की है, थोड़ा टाइम दिया है, तो ये आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। 13वां नंबर क्या कहता है, संघीय सरकारों द्वारा यानी केंद्र सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक है। 356 में क्या होता है, राज्य आपातकाल। 356 क्या होता है, इमरजेंसी। ओके, क्या कहा गया, संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विश्लेषण करना है, प्रस्तुत करना है। कई सारी कमेटियां बनी थी जिसने 356 के प्रयोग पर जो मनमाना तरीका, चाहे सरकारी आयोग हो, है ना, मंडल कमीशन हो या अन्य कोई आयोग हो, उनके माध्यम से क्या किया गया, 356 को कम से कम बात करी गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था, पहले दशक में क्या होता था, विघन पर हम सरकारें बनती थी और दल बदल होता था, दल बदल के माध्यम से क्या होता था, लोग इधर से उधर हो जाते थे। फिर 1961 के आसपास एक प्रावधान ले लिया गया, 1969 के आसपास एक प्रावधान आया दल बदल में, तो कानून 85 में आया था, 1985 में दल बदल विधेयक कानून आया, 10वीं अनुसूची संविधान में ऐड कर दी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या किया था, एक तिहाई कर दिया था, लेकिन 2003 में एक तिहाई को दो तिहाई में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके बाद से कुछ ऐसे कानून बने, फिर धीरे धीरे लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली, ज्यादातर पूर्ण बहुमत की सरकारें देने लगे, जिससे ये काम धीरे धीरे समाप्त हो गया। कई राज्यों में, है ना, जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर सरकारों को गठन होने लगा, तो एक जाति तो दूसरी जाति, दूसरी जाति तो काम फिक्स टेनर में काम करने लगी, तो ये हो सकता है। 14वां क्वेश्चन, भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी सार्थक भागीदारी
और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार करना है। ठीक है, तो भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी और सार्थक भागीदारी, मतलब जो भी विधायिका हैं वो चाहे महिला एमएलए हों या केंद्र सरकार में, समझ रहे हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी महिलाएं होती हैं उनकी अगर प्रभावी सार्थक भागीदारी, उनको प्रतिनिधित्व की बात आती है तो नागरिक समूह पर चढ़ के भाग लेते हैं। अगर नागरिक समूह क्या करते हैं ना, उनको रिजर्वेशन की बात करते हैं कि लगभग एक तिहाई महिलाओं के लिए रिजर्वेट कर दिया जाए, कि चाहे राज्य की विधानसभा हो या संसद हो उसमें एक तिहाई महिलाओं को भरा जाना आवश्यक है। अभी तक केंद्र में या राज्यों स्तर पर ये का भी प्रावधान नहीं हुए, अभी हाल फिलहाल में एक अधिनियम बन के विधेयक गया था जो भी फिलहाल हर जगह से पास नहीं हुआ, अभी उसको प्रॉपर अप्रूवल नहीं मिला है। उसने क्या किया था, महिलाओं को रिजर्वेशन करने की बात करी थी कि जो महिलाओं की भूमिका कम है कहाँ, राज्य विधायिकाओं में है ना, तो उनके रिजर्वेशन की बात कर रहा था। तो नागरिक समूह क्या करते हैं, समय पर आवाज उठाते हैं, जो किसके लिए, महिलाओं के लिए, कि महिलाएं भी वहां पर भागीदारी दिखाएं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखो 101वां अधिनियम, संशोधन अधिनियम का महत्व बताइए या किस हद तक संघवाद के समावेशी भाव को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं जब आपको क्या है 101 एक्ट आता होगा, कौन सा ये एक्ट था, है ना, कौन सा एक्ट था भाई। जब 99 की बात करें, केंद्र सरकार जब बनी थी तो ये क्या था, भारत बांग्लादेश भूमि विवाद था, समूह अधिनियम आया, फिर 101 अधिनियम आया, 102 आया, 103 आया, ये ईडब्ल्यूएस के लिए था, है ना, ये ओबीसी के लिए, संवैधानिकरण के लिए था, अगर इसकी बात करें तो ये जीएसटी के लिए था, है ना। तो जीएसटी के बारे में बात हो रही है तो का महत्व बत समझाइए, किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है, तो वो सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है ना, तो ये पता होगा तभी आएगा। दूसरा 16 नंबर क्या कहता है, जो संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाना है, जो संसदीय समितियां होती हैं चाहे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी हो, तो वो कैसे बनती हैं, किस प्रकार बनती हैं, उनका टेन्योर कितना होता है ना, स्थायी समिति कौन होती है, अस्थायी समितियां कौन सी होती हैं, तो वो बताते हुए क्या करना है, संरचना को समझाना है। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की है, जो हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है भारत का, उसमें जो ये वित्तीय फाइनेंस कमेटियां चाहे लोक लेखा समिति हो, है ना, या फिर प्रारूप सॉरी लोक लेखा समिति के अलावा जो तुम्हारी जो भी वित्त से संबंधित सारी चीजें करती हैं, है ना, उन्होंने कहाँ तक भारतीय संसद के संस्थानीकरण में भूमिका निभाई है, उसके बारे में आपको बताना था। तो इसके लिए आपको संविधान के साथ साथ थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स में भी फ्लो आना पड़ेगा। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, सोशल जस्टिस आ गया, ओके, वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं, क्या आप सहमत हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अब देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग दिया है, वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती है, जो उनका अप्रोच होता है ना, वो खुद डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है। क्या आप इस ये जो कथन दिया गया है कि आप इससे सहमत हैं, तो आप सहमत नहीं होना है, कुछ हद तक सहमत हो भी सकते हैं, लेकिन कहा ना कि आपको नेगेटिव अप्रोच कम रखनी है मेंस लिखते समय, तो आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, सरकार के साथ आपको तालमेल बनाना है, तो सीधी सी बात है। तो इससे असहमत, पूरी तरह से सहमत भी नहीं होना है, पूरी तरह से असहमत नहीं होना है। जहां पर योजनाओं ने अपना बेहतर काम किया है, जैसे उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ठीक है, और गिव इट अप योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना, तो इनके माध्यम से क्या है, काफी हद तक तो फायदा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो फायदा नहीं पहुंचा सकी, तो उनके पक्ष में आपको कुछ विपक्ष और पक्ष में दोनों लेके चल सकते हैं, तो आराम से इसको करना है आपको। विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रम जो स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये तो इकोनॉमी का टॉपिक है, यहाँ कैसे आ गया, तो भैया ये सोशल जस्टिस का टॉपिक बन गया है। ने सफलता अर्जित की है इस कथन के संदर्भ में शिक्षा कौशल रोजगार के मत संयोजन का विश्लेषण करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े आराम से कर सकते हो। जो भी स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम,
उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने काफी कुछ हद तक मानव संसाधनों के विकास में जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी जनसंख्या को जब ह्यूमन रिसोर्स बनाने में इनका तो महती भूमिका है, तो उनको स्किल करके क्या किया गया, शिक्षा कौशल रोजगार के मध्य उनका संयोजन हुआ है, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो सब लेते हुए आपको इसको देखना है। अगला आईआर का क्वेश्चन है नाटो के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। देखो रशिया यूक्रेन वार चल रहा था तो नाटो तो पूछा ही जाना है, जैसे G20 इस समय काफी चर्चा में है, भारत की अध्यक्षता काफी चर्चा में है, तो अगली जो प्रीलिम्स होगी तो उसमें ये 100% मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो भी लोग अभी मेंस दे तो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करें, क्योंकि प्रीलिम्स पास हुआ तभी आप आगे निकलेंगे, नहीं तो बैक साइड मार जाएंगे। विस्तार सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदार भारत के लिए अच्छा काम करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन नाटो का सुदृढ़ीकरण और विस्तार से भारत का कोई लेना देना नहीं है, फिर भारत एक बंधा हुआ सदस्य बन जाएगा जैसे अन्य देश है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके लिखना है। इस कथन में आपकी क्या राय है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण देना है, यानी आपकी राय पूछी गई है, आपकी राय का मतलब आप सरकार के पक्ष की तरफ से राय देना है आपको, कि आपके संबंध में अगर आप उस समय डिफेंस सेक्रेटरी होते या मुख्य मेन चीफ सेक्रेटरी होते तो क्या करते, प्रधानमंत्री को कैसे समझाते, उस हिसाब से लिखना है। अब देखो समुद्र में ब्रह्मांड, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा और उसके बाद ये कहाँ खत्म होगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री गठन जो आईआर में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके संबंध में आपको चर्चा करनी है। आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरचना सुरक्षा को बढ़ाने में आईएमओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप बोल सकते हो समुद्री बोल सकते हो या मैरीटाइम बोल सकते हो, मैरीटाइम समुद्री संगठन कहते हैं, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, उनकी भूमिका पर चर्चा करना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो, बस इसके लिए थोड़ा सा फैक्ट नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आईएमओ के बारे में आपको बताना है, किसी की भूमिका की चर्चा करेंगे तो उसका बेसिक तो बताएंगे कब शुरुआत हुई, वो सारी करते हुए आप इसको कर सकते हैं। यूएन क्लॉज 1982 पर डिस्कस कर सकते हैं इसी के अंतर्गत ये क्या था, और लिखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो है ना। तो 20 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्या है, 10 नंबर के हैं, और 10 क्वेश्चन क्या है, 15-15 नंबर के हैं, तो 150 ये हो गए और 100 ये हो गए। अगर ये ठीक से कर लेते हो, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके 60-70 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं तो इसमें अगर आपको 50 नंबर भी मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। और देखा सेकंड पेपर में थोड़ा लैंग्वेज का इशू पड़ता है, लेकिन इस बार का पेपर क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि जहाँ पर लैंग्वेज का विशेष इशू था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।